जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर सैन्य, स्वागत है सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली SSC GD के फिजिकल को लेकर है, क्योंकि आप सब ने कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर दी होगी SSC GD फिजिकल की। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक वार्निंग दी थी कि आपकी SSC GD के इस बार के जो फिजिकल है वो हो सकते हैं जून में, और वो बात पूरी अब लगभग लगभग सत्य भी होती जा रही है, क्योंकि आप सबको पता है आज होगी 23 तारीख और आने वाले 2-4 दिन में हो सकता है कि 28 या 29 तारीख तक SSC GD स्कोर कार्ड जारी कर दे या फिजिकल की पहले कट ऑफ आ जाए। अगर वो कट ऑफ भी आती है तो आपको लगभग 30 दिन का समय मिल जाएगा, यानी अगर इस महीने में भी अब कट ऑफ आती है या फिजिकल की आपकी जो लिस्ट जारी होती है, नॉर्मलाइजेशन के अंक जारी होते हैं, उसके बावजूद भी आपका फिजिकल आगे बढ़ जाएगा। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने एक और जरूरी बात बताई थी, वो भी आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि जब रनिंग होगी धूप में तो वो बच्चे जो अभी सुबह जब मॉर्निंग में रनिंग करते हैं 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, वो सुबह तो टाइमिंग दे पाएंगे लेकिन धूप में नहीं दे पाएंगे। इसलिए बीच में सप्ते में एक बार आप दोपहर का जो समय लगभग 8-9 बजे का या 9 से 10 बजे का धूप वाला समय, यानी ज्यादा धूप में भी नहीं, कहीं बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन किसी को होता है तो आप ग्लूकोज ले सकते हैं, ग्लूकोन डी ले सकते हैं, और रनिंग कर रहे हैं तो इस समय आप वो पीते रहिए पानी में, तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगा। यह एक इलेक्ट्रो करके आता है, 18 रुपए का पैकेट, वो भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगा। इस समय आप अभी रनिंग कर रहे हैं, सुबह शाम दोनों वक्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में जो समय बचा है वो लगभग 1 महीने का बचा है। 1 महीने बाद में फिर जब जून में अगर आपकी रनिंग होगी तो ध्यान रखना धूप में होगी, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपकी सांस की एल्गोरिदम और आपकी बॉडी की कैपेसिटी। इसलिए अगर आप इस समय भी घर बैठे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो बैठे मत रहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि समय ज्यादा मिलेगा, 5 किलोमीटर की रनिंग की टाइमिंग का टेस्ट हमने डाला था अभी कमांडो अकेडमी फिजिकल वाले चैनल पे, देख लेना, उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से आपको रनिंग करनी है। अब बात करते हैं कि फिजिकल का जो स्कोर कार्ड कब तक आएगा, क्या 30 अप्रैल तक आ जाएगा या मई में आएगा। दूसरा, फिजिकल कब से शुरू होगा, तो ये तो आपका क्लियर हो ही चुका होगा, आप सबको लगभग लगभग क्लियर है। जो फिजिकल आपका वो तो जून जाएगा, जून के महीने में ही होगा, अब चाहे वो सेकेंड वीक से हो या फर्स्ट वीक से, ज्यादा चांस है कि आपका सेकेंड वीक से, यानी जून सेकेंड वीक से आपका फिजिकल होने के चांस है। लगभग 15 से 20 दिन आपका फिजिकल चलेंगे उस दौरान। अब किसी का किसी भी समय आ सकता है फिजिकल, कोई फिक्स नहीं है। दूसरी बात कि जो आपका स्कोर कार्ड है वो कब आएगा, स्कोर कार्ड अब आपका जो आएगा वो आएगा फिजिकल की कट ऑफ के बाद भी आ सकता है, ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि स्कोर कार्ड पहले फिर फिजिकल कट ऑफ आए, नहीं, हो सकता है कि फिजिकल की कट ऑफ के बाद में आपका स्कोर कार्ड जारी हो और 30 अप्रैल तक, जैसे कि मैंने बताया था कि 30 अप्रैल अगर इस महीने में भी आता है, पूरे पूरे चांस है, या तो 28, 29 या 30, इन 3 डेट को आप नोट कर सकते हो, इन 3 डेट में से किसी एक डेट को पूरे पूरे चांस है आपकी फिजिकल की कट ऑफ आने का, क्योंकि ये तब आएंगे, यानी इन 3 या 4 दिन में ही अगर फिजिकली कट ऑफ आती है तभी पॉसिबल है कि जून की सेकेंड वीक में आपके फिजिकल हो। और ये डिपार्टमेंटली जितने भी डिपार्टमेंट है जो पिछली बार SSC GD के फिजिकल लिए थे, अगर आप पता करना चाहते हो तो जैसे BSF के कई सेंटरों में जहां पर पिछली बार रनिंग हुई थी वहां पर भी इस प्रकार की अब तैयारियां शुरू हो गई है SSC GD के फिजिकल के लिए, ध्यान रखना। अगर आप CRPF के कई कैंप जैसे अजमेर में, राजस्थान में, जोधपुर में पिछली बार भी रनिंग हुई थी, अगर आपका वहां कोई भी मिलने वाला है कैंप में, तो आपको ये सूचना जरूर मिल जाएगी कि वहां पर अब ये आदेश जारी हो गए हैं। इलेक्शन का मुझे नहीं लगता कि कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ, वहां के जो ग्राउंड है या जो ट्रैक है या ड्यूटी डिप्लॉयमेंट है, ये अब सब कुछ शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब है कि जून के सेकेंड वीक तक आपका फिजिकल शुरू होगा ही होगा, और वो तभी पॉसिबल है जब आपका 30 अप्रैल तक चांस बने किसके, फिजिकल की कट ऑफ के। तो पूरे पूरे चांस लगा लो, अब ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना है, लेकिन कुल मिला के 100 बात की 1 बात, तैयारी करते रहना है। कई बच्चे अपना कंपैरिजन पिछली बार की फाइनल मेरिट से करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि फाइनल मेरिट में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जो फिजिकल की कट ऑफ है उसमें जरूर प्रभाव पड़ेगा। फिजिकल कट ऑफ में प्रभाव इसलिए पड़ेगा कि पिछली बार की बजाय एक बार तो पोस्ट है, आप सबको ये चीजें बताई हुई है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार की बजाय पोस्ट है आधी है, इस बार कंपिटिशन भी बढ़ा, पेपर भी आसान था। तो ये फाइनल मेरिट पे जहां पर मान के चलो फाइनल मेरिट में अगर 4 अंक इजाफा होगा ना, तो फिजिकल के कट ऑफ में कम से कम 8 से 10 अंक का इजाफा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो अगर आपके इतने नंबर ज्यादा है पिछली बार कट ऑफ से, अगर आपके 4-5 नंबर भी ज्यादा है, तो आपको रनिंग करनी चाहिए और अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल के बाद में कट ऑफ पड़ने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। कई कई डिस्ट्रिक्ट एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती, कई डिस्ट्रिक्ट राज्य स्टेट में थोड़ी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है लाडलो। तो स्पेशली अगर हम जिस मुद्दे पे बात करते हैं वो ये कि एक तो इस 30 अप्रैल तक अगर आपका आता है तो जून के सेकेंड वीक से आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे 100%। अब 30 अप्रैल से भी नहीं आया तो फिर ये मान लेना कि आपके इलेक्शन का प्रभाव पड़ेगा 100%, और आपके कुछ ना कुछ इस भर्ती में लगभग 30 से 40 दिन का डिले आ सकता है,
फिर डिले आएगा पक्का, फिर हो सकता है कि 4 जून के रिजल्ट के बाद ही आप, ये तो फिक्स ही है पहले से कि 4 जून के रिजल्ट के बाद ही आपके फिजिकल होंगे सेकेंड वीक में, इसका मतलब है तो फिक्स ही है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आपकी फिजिकली कट ऑफ इसी महीने में आ जानी चाहिए भाई, ठीक है, जो एक्टिविटी अभी डिपार्टमेंटों में चल रहे हैं अगर उसको देखे तो। आप पूरी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इस बार समझ में नहीं आ रहा कट ऑफ कितनी जाएगी, आपके मन में भी ये संशय तो बना हुआ ही है, तो बने रहने दीजिए लेकिन तैयारी करिए भाई साथ में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।